इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से आ रही है, जहां पर रावड़ी आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई लगातार सुबह से ही पूछताछ कर रही है, न सिर्फ राजधानी पटना के रावड़ी आवास पर बल्कि दिल्ली में भी मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव के से गहन पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा गोपालगंज में भी सीबीआई ने रेड मारा है। यानी कि कुल मिलाकर कहें कि सीबीआई ने सुबह से ही प्लान कर लिया था और सुबह से ही तकरीबन दर्जन भर ठिकानों में और लालू रावड़ी से जुड़े हुए तमाम परिवार के लोगों के घर पर सीबीआई की पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बेहद नाराज हैं। वो पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो रावड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे जैसे मीडिया में यह खबर सामने आ रही है कि लालू रावड़ी के आवास पर छापेमारी चल रही है, सीबीआई की पूछताछ चल रही है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, कार्यकर्ता उग्र हैं। और यही वजह है कि उग्र कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए तेज प्रताप यादव रावड़ी आवास से अभी अभी बाहर निकले हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस प्रकार तेज प्रताप यादव रावड़ी आवास से बाहर निकलकर समझाने की अपील कर रहे हैं और उन्होंने किस तरह से संयम बरतने की बात कही है। तो आइए सबसे पहले हम सुनाते हैं कि तेज प्रताप यादव किस तरीके से कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर, तेज प्रताप बाहर निकले हैं और उन्होंने, तो देखा आपने तेज प्रताप यादव को बाहर निकलकर रावड़ी आवास से बाहर निकलकर उनको उन कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा। जो कार्यकर्ता उग्र हो रहे थे उनको ये लग रहा था कि सरकार की ये सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है, ये सरकार की सोची समझी साजिश है और कहीं ना कहीं लालू रावड़ी परिवार को, लालू रावड़ी को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार सीबीआई की जो छापे हैं वो लालू रावड़ी के घर पर ही क्यों पड़ता है, आखिर दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं पड़ता? जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, उनके ऊपर छापेमारी क्यों नहीं होती है? ये एक अहम सवाल है जिसको लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं। और ये उन कार्यकर्ताओं की माने तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू रावड़ी के पीछे बीजेपी और तमाम जो सत्तारूढ़ दल की पार्टियां हैं वो पड़ी है। अभी के लिए बस इतना ही। द एसडी न्यूज पर बने रहिए खबरों के साथ। तो अभी की बड़ी खबर, तेज प्रताप बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा है।